हालेलुया। पिता तू महान परमेश्वर है, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस दोपहर के लिए पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। तूने प्रार्थना करने का हमें मौका दिया पिता परमेश्वर। हम तेरी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं। इस दोपहर के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ करते हैं पिता। पिता तू सच में महान परमेश्वर है। पिता तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है पिता। तू गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। सचमुच पिता, मैं गिरा हुआ था, तूने मुझे उठा के खड़ा किया पिता परमेश्वर। तूने हमें फिर से संभाला पिता परमेश्वर, पापों से बाहर निकाला, बुराई से बाहर निकाला मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं सारी महिमा सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ पिता परमेश्वर। तू सचमुच महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। इस हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस दोपहर के लिए वो आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर ने आपको मौका दिया अपनी हजूरी में बैठने के लिए। आप धन्य हो, आप आशीषित हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर बहेगी, आज परमेश्वर की दया आपके ऊपर बहेगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आप परमेश्वर की महान आशीषों को अपनी जिंदगी में देखोगे, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आप प्रार्थना करते हो, चाहे आप रोजे रखते हो, चाहे आप यीशु के बारे में किसी को बताते हो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आपका फल 100 गुना हो, आपका फल प्रभु यीशु के नाम में 100 गुना हो। सब जन तारीफ करो यीशु के नाम की। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर तेरी तारीफ हो। उसके नाम की महिमा करो, केवल वही महिमा के हकदार है, वही तारीफ के योग्य है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। वो आपकी बीमारियों को ख़त्म कर सकता है, वो आपके केसों को ख़त्म कर सकता है, वो आपके रुके हुए रास्तों को चला सकता है, वो आपके बंद रास्तों को खोल सकता है, वो आपके रुके हुए कामों को चला सकता है। और आज आपके बंद रास्ते वो यीशु के नाम में खोलेगा। वचन में लिखा है, जो तुम मुझसे मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आज आपका मुंह बंद है प्रार्थना के लिए, तो आपके रास्ते बंद हैं। इस बात को याद रखना। आज आप अपने रास्ते खोलना चाहते हो आशीष के, तो अपना मुंह खोलो, प्रार्थना करो। आसपास मत देखो कि आप कहाँ बैठे हो, कोई मायने नहीं रखता। लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होगा। आज परमेश्वर आपके बीच में है। आज वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप उसको पुकारोगे, वो आपको छुड़ाएगा। आपकी बीमारियों से वो आपको बाहर निकालेगा। वो आपके लिए नए नए रास्तों को निकालेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं भरपूर आशीष को आपके जीवन में बोलता हूँ। भरपूर आशीष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुतायत की आशीष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आज आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं यीशु के सामर्थी नाम में बोलता हूँ, आज आपके बंद रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं। रुके हुए काम यीशु के सामर्थी नाम में चलने लगे। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका बिजनेस बढ़ोतरी को पकड़े, आपका बिजनेस सफलता को पकड़े,
मैं आपके बिजनेस में सफलता को बोलता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं यीशु के नाम में आपके जीवन में सफलता को बोलता हूँ, आपके बिजनेस में सफलता को बोलता हूँ। मैं उजियाले को बोलता हूँ आपके बिजनेस में। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपके जॉब में उजाले को बोलता हूँ, उजाला हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सफलता आए आपकी ज़िंदगी में यीशु के नाम में। आपके बच्चों में सफलता आए, आपके करियर में सफलता आए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चे चमके प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। उसके वचन में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी। आज अपने हाथों को उठाकर बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घर में कोई भी मेंबर की कभी घटी नहीं होगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो मौत मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने हाथों को उठाते हुए अंगीकार करो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे बिजनेस की चरवाही कर, मेरी फैमिली की चरवाही कर, मेरे बच्चों की चरवाही कर। मैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपके जीवन में बोलता हूँ हर बीमारी आपकी ज़िंदगी को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के, आपके बच्चों के शरीर को छोड़ के, आपकी फैमिली के शरीर को छोड़ कर जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जाए। हर जादू टोना आपकी ज़िंदगी से कैंसल हो और दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ें और चली जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सज्जन अपने मुंह को खोलते हुए बोलो दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ और चली जा, तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई हक नहीं है, तेरा मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु का हक है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपकी दया के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर सभी जन आज एक वायदा करो कि परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी गलत काम करता हूँ उन्हें आज छोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। मैं नशा करना छोड़ता हूँ, मैं अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करना छोड़ता हूँ पिता। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ तुझसे माफ़ी मांगते हुए, तुझसे क्षमा मांगते हुए। पिता मुझे अपने लहू से धो और मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने पैसों को तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से तेरे नाम की महिमा करूँगा। तू महान परमेश्वर है पिता, तू धन्य परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा और कोई नहीं पिता परमेश्वर। जो आज बीमार है मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो यीशु के सामर्थी नाम में जल्द ही चंगा हो। अपने हाथों को उठाते हुए सज्जन बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं हर बीमारी को कमांड करता हूँ कि वो आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं आपके शरीर के ऊपर। बोलो बीमारी का कोई अधिकार नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, मैं बीमारी को नाश करता हूँ। तू सच में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जो भी आज प्रार्थनाएं प्रभु यीशु हमने की पिता परमेश्वर, तू जल्द ही उसका उत्तर देगा। तू अपना कान लगाकर इन प्रार्थनाओं को सुनेगा पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। मैं इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन।